हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक फिक्शन। और आज की इस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने किसी भी मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव को एज ए रैम अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेयर मेमोरी कार्ड या फिर कोई पेन ड्राइव पड़ा है तो आप उसको रैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, बट वो एक्चुअल रैम की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत काम आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपका कोई सॉफ्टवेयर है जो रैम की प्रॉब्लम की वजह से आपकी रैम थोड़ी कम पड़ रही है और उसकी वजह से वो लैग कर रहा है, तो जब आप अपने पेन ड्राइव को या फिर मेमोरी कार्ड को रैम बनाएंगे तो वो आसानी से चल जाएगा उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर अगर रैम की वजह से बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा है और आप उसको ओपन करना चाहें तो ऐसा तो आप नहीं कर पाएंगे, बस कुछ काम आप उसके ज़रिए कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बता दूं आपको दोस्तों, इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, बस माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा टूल दिया हुआ है विंडोज़ के अंदर ही, आप उसके ज़रिए अपने पेन ड्राइव को रैम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माई कंप्यूटर में चले जाइए और यहाँ से सबसे पहले आप अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दीजिए, ये नेसेसरी है। ओके, फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद में इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रेडी बूस्ट, ये थोड़ा प्लीज़ वेट, टाइम ले रहा थोड़ा, और यहाँ पे क्लिक कीजिए व्यूज दिस डिवाइस और ओके कर दीजिए। ठीक है, अब आपका जो पेन ड्राइव है वो रैम की तरह अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गया। आप इसके अंदर देख सकते हैं रेडी बूस्ट नाम से एक फाइल बन के तैयार हो गई है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आप अपनी काम करते हैं उसकी फाइलें भी इसके अंदर स्टोर होती रहती हैं। वैसे आप अगर चेक करोगे अपने कंप्यूटर की रैम को तो वो वैसे की वैसी रहेगी, इंक्रीज़ नहीं हुई है, बट थोड़ा बहुत इस पर परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अब अगर आप अपने पेन ड्राइव को डायरेक्ट इसे इजेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि आपके पेन ड्राइव में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए वापस प्रॉपर्टीज में जाइए इजेक्ट करने से पहले और रेड बूस्ट में जाइए, यहाँ पे कर दीजिए डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस। ओके, अब अपने पेन ड्राइव को आप इसे इजेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा उसके पास में एक बेल आइकन होता है, उसे भी आप ज़रूर दबा दें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।